Today we are going to take some important question on microbes in human welfare, and with that your three chapters will be completed. तो इसी के साथ तुम्हारी तीन यूनिट, ठीक है, तीन कंप्लीट यूनिट, रिप्रोडक्शन वाली, जेनेटिक्स वाली और ये माइक्रोस वाली यूनिट खत्म हो जाएगी. स्ट्रेटेजीज का पोर्शन कट चुका है, थोड़ा बहुत पोर्शन है वो करवा देंगे. ठीक है, तो आते हैं आप. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे यही आता है, जैसे कि मैंने तुम्हें हमेशा एल्कोहलिक के बारे में बताया. मैंने शायद एक क्वेश्चन पूछा भी था कि एल्कोहलिक जो होती है, जो मेरे पास बेवरेजेस इंडस्ट्री होती है, तो एल्कोहलिक के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है डिस्टिलेशन, एक होता है नॉन डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन वाली कौन सी होती है, एग्जाम्पल देना अनन्या. आवाज तो मुझे आ नहीं रही. विदाउट, चलो शुक्र, तुम बताओ, विदाउट डिस्टिलेशन और बियर और वाइन. अच्छा डिस्टिलेशन वाली बियर और वाइन, नहीं विदाउट. हाँ विदाउट वाली. तो बियर, बियर की स्पेलिंग यही होती है ना शायद. हाँ यही yes, होती है. और ये वाइन मुझे तो पता नहीं है. ठीक है, हाँ डिस्टिलेशन पे आते हैं. तो डिस्टिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, ब्रांडी, रम, विस्की, राइट. ये महंगी भी आती है वोडका. ठीक है, तो इन इसमें ज्यादातर हम पानी मिला के पीते हैं यूजुअली पीपल, क्योंकि ये डिस्टिल होता है. तो ब्रांडी, रम, विस्की, ठीक है, वोडका, पानी मिला पिए तो क्या होता है? तो उसे नीट बोलते हैं. नीट, नीट एग्जाम नहीं, नीट बोलते हैं. और ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक होता है एक्चुअली में, मतलब एकदम गरम गरम से लगेगा. और ठीक है, हर किसी का अपना अलग है. हाँ प्योर वाला वो थोड़ा लोग, हर कोई नहीं पी पाता है उसे. ठीक है, होगा कुछ नहीं, बस ये है कि एकदम स्ट्रॉन्ग वाला लेते हैं तो बोला जाता है कि सेंसिटिव बॉडीज को तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एकदम से वो वाटर के साथ ही लीवर इतना अफेक्ट होता है, तो फिर जो तुम एकदम नीट मारोगे तो फिर नीट मारने से तो और ही ज्यादा ऑफकोर्स दिक्कत आता है. ठीक है, टीवी में देखा होगा शायद, कुछ लोग बोलते हैं हम तो नीट मारते हैं इस तरीके से. ठीक है, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा होता है. तो ऑफकोर्स ये सब मेरे हिसाब से तो नहीं ही करना चाहिए. कॉलेज वाले बच्चे एक्चुअली टशन मारते हैं, ये सब बहुत करते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट भी करते हैं. ठीक है, तो नहीं करनी चाहिए. वाटर के साथ, वाटर के साथ ले लो, क्या दिक्कत है, तुम क्यों स्टल मार रहे हो बेफालतू के. ठीक है, अब आते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पे. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली क्या चीजें करता है, मतलब दो चीजें इंप्रूव करता है तुम्हारी बॉडी की. क्या फायदेमंद क्या है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैब है, वो दो यूजफुल एडवांटेजेस क्या है उसके, क्या नहीं. मैंने बताया था कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट, मतलब ये एक तरह से डाइजेस्टिबल होती है. मैंने बताया ना बुढ़े लोगों को क्या पसंद है, दूध या दही, दही, क्योंकि वो पहले से ही डाइजेस्टेड हो रखी है ना, तो उनको और डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो क्या नहीं सही, हमारे बॉडी के लिए. और इसके अंदर कौन सा वो होता है, B12 याद आया, कोबेलामाइन, विटामिन बी. हाँ तो ये मेरे पास किसके लिए अच्छा होता है, मैंने बताया था ब्रेन के लिए. ठीक है, और ये बॉडी को कूल रखता है, इट कीप्स योर बॉडी कूल. Am I right? गर्मियों में खाते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, तो ऑफ कोर्स ये बॉडी को क्या रखेगा, कूल रखेगा. नहीं आया कुछ समझ. ठीक है भाई, अच्छा ये मैंने एक चीज बताई थी, माइकोराइजा. ये माइकोराइजा क्या होता है, लास्ट में मैंने बताया था जब चैप्टर खत्म होने वाला था. माइकोराइजा तो ये फंगस होता है ना, वो जो प्लांट पे रखता है, प्लांट रूट्स, प्लांट के किस पार्ट से, वेरी गुड, रूट्स, रूट्स. तो हायर प्लांट जो होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म होते हैं, तो प्लांट के रूट के अंदर क्या आ जाता है, फंगस आ जाता है, राइट. तो प्लांट के रूट के साथ जब फंगस आ जाएगा तो ये बेसिकली बहुत सारी चीजें करवाएगा, पॉजिटिव थिंग करवाएगा. तो वो क्या है पॉजिटिव और चीजें, तो वो रॉट से बचाता है, सैलिनिटी से बचाता है, सैलिनिटी, रूट डेवलपमेंट, बिल्कुल बिल्कुल. और वो क्या करता है, पैथोजन से प्रोटेक्शन भी देता है, वेरी गुड. और एक और चीज, ये क्या मैंने तुम्हें बताया, वाइट फॉस्फोरस टू द प्लांट, बिल्कुल सही. और एक और चीज मैंने बताया, एक गंजा है, एक के बाल बहुत सारे हैं, तो कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बाल बहुत सारे हैं, बाल बहुत सारे. तो मतलब फंगस से बाल ज्यादा हो गए, नहीं हो गए उसके, फंगस एक तरह से मकड़ी के जाले जैसा होता है ना, मान लो कहीं पे फंगस लग गई पूरे में, तो इसका मतलब, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करवाएगा. मान लो जिसको ऐसा प्लांट जिसको पानी ज्यादा चाहिए, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करवाएगा. तो प्लांट रूट प्लस फंगस वाटर एब्जॉर्प्शन में करवाएगा, और फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एक को बढ़ाएगा. ठीक है, सैलिनिटी और ड्रॉट से बचाएगा, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सैलिनिटी एंड ड्रॉट. ठीक है ना, तो ये माइकोराइजा काफी इस चीज में अच्छा होता है, ड्रॉट. एनी डाउट इन दिस अनन्या? नो सर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एंटीबायोटिक बनाया? लेकिन फाइनली देखा कि एक पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम फंगस का नाम है, तो इसने इस वाले फंगस से क्या चीज निकाल ली,
पेनिसिलिन निकाल ले, ठीक है। तो पेनिसिलिन अपने आप में वो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब किसी पर्टिकुलर, हाँ मतलब बायोटिक का मतलब लिविंग होता है वैसे, तो हमारे अगेंस्ट नहीं, उस पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट, सो एंटीबायोटिक, तो इट इज अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, फंगस और अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन। ओके ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो पेनिसिलिन का पूरा नाम वैसे क्या होता है, ध्यान रखना, पेनिसिलिन नोटेटम, नोटेटम, ठीक है, ध्यान रखा जाए। अच्छा ये जैसे स्ट्रेप्टोक्यूकस होता है, तो ये स्ट्रेप्टोक्यूकस से एक एंजाइम निकल के आया था, अगर याद हो तो, मैं तो स्ट्रेप्टोक्यूकस से एक एंजाइम निकल के आता है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस। वेरी गुड, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है सर, जो ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देता है ब्लड वेसल्स। वेरी गुड, जब भी किसी को हार्ट अटैक टाइप का सभी होता है ना, या मान लो बॉडी में दिक्कत हो जाती है, खून आगे नहीं जा पा रहा, क्लॉट बन जाता है अंदर ही अंदर, तो उसको इसको क्लीन करने के लिए कौन सा मतलब क्या देंगे हम, स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो ये क्या करता है, क्लॉट रिमूवल है, क्लॉट को डाइजेस्ट करता है, रिमूव करता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है ना, क्यों, क्योंकि वो इतना सारा खाना खाते हैं, तो उनकी आर्टरीज वेन के अंदर क्या क्या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रोल वो तो चलो अलग चीज है, स्टेटिन होता है, लेकिन अगर बीच में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और मान लो वहां पे अगर क्लॉट बन गया है अंदर ही अंदर, तो उस क्लॉट को हटाना जरूरी होता है, वरना खून आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेस करता है, ठीक है भाई। और स्ट्रेप्टोक्यूकस की मैंने शेप भी बताई थी अगर तुम्हें याद हो, एक चेन जैसी, राइट, और स्टैबी का मतलब एक बंडल, हैवी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये इथेनॉल किससे आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इथेनॉल जो होता है, इसको कौन बनाता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इथेनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी सैकेरोमाइसिस सर्विसी, सैकेरोमाइसिस, ये वाला चैप्टर माइक्रोब्स के नाम करने वाला चैप्टर है, जिसको इसका मतलब याद करने वाला चैप्टर है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे स्पेलिंग के साथ, सर्वीसी है, ठीक है, स्पेलिंग याद नहीं होगी तो नहीं कर पाओ, ठीक है भाई। अच्छा मैंने दो टाइप के चीज बताए थे, कुछ याद है, एक बताया था रॉकीफोर्ट चीज, एक बताया था स्विस चीज। यस सर, स्विस चीज मैंने बताया था किसी चीज से मिलकर आता है, एक बैक्टीरिया था उसका नाम क्या था, स्विस चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी। वेरी गुड, ठीक है, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, ठीक है, याद रखना है नाम, विदुषी बोलो एक बार, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, हाँ ठीक है, शर्मानी नहीं, शार्मानी, ठीक है, हाँ, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, विदुषी बताएगी, विदुषी ये एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट, ई से टाइफाइड, सीवेज ट्रीटमेंट, टाइफाइड, टाइफाइड ट्रीटमेंट, सीवेज टाइफाइड निमोनिया, ठीक है, तो हाँ ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा इसके कितने प्रोसेस होते हैं वैसे विदुषी, तीन, हाँ वैसे दो होते हैं लेकिन तीन को भी ऐड किया जा सकता है, हाँ, हाँ. Okay. अच्छा प्राइमरी ट्रीटमेंट को एक क्या नाम दिया गया था, फिजिकल प्रोसेस, वेरी गुड, ये पता है एक बार नीट में आया था, सेकेंडरी प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल, ये ऑप्शन में था, मैं तो हैरान हो गया था कैसे दे दिया इन लोगों ने, ठीक है, हाँ हाँ सीरियसली, तो ये था मेरे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल। अच्छा ये फिजिकल क्यों बोला जाता है वैसे विदुषी, क्योंकि इसमें फिजिकल मतलब जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको निकालता है, हाँ सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट आउट कर देता है, राइट, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज यूज हुई थी जो कि चीजों को फिल्टर करती है, ऐसे क्या बोलते हैं उसे, उसको मैंने छन्नी का नाम दिया था, क्या उस प्रोसेस का नाम क्या हुआ फिर, सेडिमेंटेशन, नहीं सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, छन्नी बताया था ना, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, वो अपने आप ही हटाती रहती हैं और ट्रक में भर देती हैं, वरना पहले लोगों को हटाना पड़ता था हर एक घंटे में ऐसे कर करके फावड़े से, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अच्छा फिर स्क्रीनिंग के बाद पानी पानी आ जाएगा, उस पानी को फिर हम जितनी भी गंदगी होती है उसको नीचे बैठवा देते हैं, सेटल डाउन करवा देते हैं ग्रेविटी की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, वेरी गुड सेडिमेंटेशन। अच्छा फिर सुकृति, ठीक है, वो सेकेंडरी के लिए जाता है, सेकेंडरी में इरेशन में टैंक मेन है, तो उस इरेशन टैंक में एक होता है बीओडी, तो ये बीओडी क्या होता है, बीओडी एक कुछ आइटम आया था ना, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन,
वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो उस खाने के अंदर, मतलब उस पानी के अंदर क्या था ऐसा? बैक्टीरिया था. अरे भाई, ऑर्गेनिक मैटर था, गंदगी. तो उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर. अगर बीओडी ज्यादा आ रही है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा आ रही है, तो वो पानी गंदा या साफ है? गंदा है, उसमें बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वेस्ट बहुत ज्यादा है उसमें. और अगर एक पानी जिसकी बीओडी थोड़ी कम आई है, तो फिर वो अच्छा पानी. ठीक है, अब मान लो तुम्हारा जो पानी पीने वाला है, अगर उसकी बीओडी जीरो है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो फिर उसमें बैक्टीरिया भी कम ही होंगे, ठीक है, तो जीरो है. एनी डाउट इन दिस? सुकृति तुम हो यहाँ पे? यस सर, यस सर. अच्छा, एक मैंने एक्टिवेटेड स्लज का नाम दिया था, एक्टिवेटेड स्लज क्या था वो? एक्टिवेटेड स्लज मैंने एक एक्टिविटी स्लज का नाम बताया था सर, जिसमें जो फ्लॉक्स होते हैं जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो. नहीं, एक्टिवेटेड वो तो स्लज ही हो गया ना, वो तो एक्टिविटी स्लज क्या हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था एरेशन टैंक है, बैक्टीरिया फंगस बहुत सारे हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को खा खा. हां सर, याद आ गया, याद आ गया. अब उसमें थोड़ा सा पार्ट उसमें डाल देते हैं. वेरी गुड, उसी का थोड़ा सा पार्ट पंप के थ्रू हम पीछे डाल देते हैं ना, ताकि जो अब अगला वाला जो पानी आएगा उसमें हमें अलग से ना डालना पड़े, वही वाले बैक्टीरिया फिर से ग्रो करके बड़े हो जाएं और बहुत नंबर बढ़ा दें अपने, राइट? हमने एक बार डाल दिया मॉर्निंग में, मान लो, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो रात भर भी चल सकता है, ठीक है, तो वो बस वो थोड़ा सा पीछे साइड ले जाके हम डालते रहते हैं, तो वही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता रहता है, करता रहता है, फिर उसको फिर से पीछे ले जाएंगे. एक तरह से वो ये, जैसे मान लो दही है, दही में तुम एक दूध के अंदर तुमने थोड़ा सा दही डाल दिया, अब वो पूरा दही बन गया, अब उस दही का थोड़ा सा पोर्शन ले जाके तुमने और दूध में डाल दिया, तो वो भी दही बन जाएगा. ऐसे करते करते बताओ बहुत सारा दही बनता जाएगा, नहीं जाएगा? यस सर. तो उसी को बोलते हैं एक्टिविटी स्लज. तो जो गंदगी सी, अच्छा ये जो गंदगी होती है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जब इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बैक्टीरिया फंगस होते हैं और ये एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पानी के ऊपर, गंदी लेयर, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे? फ्लॉक्स. तो दीज आर द थ्रेड लाइक और मैस लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है. अच्छा, yes. तो पानी, अब पानी क्या हो गया? इंटॉक्सिकेटेड हो गया है, पानी के अंदर से पूरा जहर निकाल दिया गया है. तो उस पानी को हम कहाँ भेज देंगे? अब हम तो उस पानी को हम रिवर के अंदर, समुद्र के अंदर डाल देंगे. अब जो रह गया है वो सूखा सूखा सा, अब वो सूखे सूखे को हम सुखा के फिर क्या करते हैं? हाँ, मैन्योर, या हम फर्टिलाइजर की तरह, फर्टिलाइजर तो नहीं बोलना चाहिए, मैन्योर टाइप का खाद वाद टाइप का हम फिर प्लांट के अंदर डालेंगे, तो सही हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी? यस सर. अच्छा, मैंने एक चीज बताई तुम लोगों को, स्टैटिंस. बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय दी स्टैटिंस? इसका नाम एम और एन से स्टार्ट होता है, सॉरी एमपी से, ठीक है, मोनस्कस परप्यूरियस. मैंने कितनी बार बोला ये चैप्टर के अंदर माइक्रो के नाम याद होने चाहिए, ठीक है. बायो में ऐसे 95 नहीं आएंगे, ध्यान रखना, बायो में 90-99 आते हैं. एक तुम्हारे स्कूल का एक बच्चा था, लास्ट ईयर पास हुआ था, उसका नाम था प्रशांत, और तुम यकीन शायद तुम जानते हो प्रशांत के नाम को. सुकृति तुम जानती हो प्रशांत को? यस सर, उनके बायो में काफी अच्छा स्कोर हुआ था ना, 99 या 100 थे उसके, ठीक है. और मतलब वो फर्स्ट बैच था. देखो अब हम कर रहे थे स्टेटिंस के बारे में, तो मोनस्कस परप्यूरियस होता है, ठीक है. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यस व्हाट आर द बायो फर्टिलाइजर्स, तो मैंने तुम्हें बताया था बायो फर्टिलाइजर हमारे, याद है मैंने बताया था एक बैगन बनाया गया था, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी ब्रिंजल, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड था, उसका डीएनए चेंज कर दिया गया था, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन उससे हम सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारे लिए ये सही नहीं माना जाता है, लोग बोलते हैं, तो इसीलिए इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे, तो ये हटा दिया गया. लेकिन ये बैसिलस लेने से क्या होता है, मैंने बताया था एक बीटी कॉटन थी, अगर कोई भी वो कोई भी पेस्ट आ रहा है तो वो कॉटन खाएगी, तो उसके गले में क्या हो जाएगा? लाइसिस, बताया था, पोर्स हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं उसके गट में, तो वो मर जाएगा, राइट? तो बताओ तुमको पेस्ट से कंट्रोल हुआ नहीं हुआ? हुआ सर. एक चीज मैंने और बताई थी कि बताओ मच्छर को मारने के लिए, यस ठीक है, तो मच्छरों के लिए मैंने बताया था, और एक मैंने एफिड्स के लिए भी बताया था, कुछ याद आ रहा है? एफिड्स के लिए ड्रैगन फ्लाई थी, मॉस्किटोस के लिए, और एफिड्स के लिए थी लेडी बर्ड. Yes, तो ये एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा, ठीक है अनन्या? Yes, तो ये चीज याद रखनी है. अच्छा अनन्या मुझे एक बात बताओ, ये जो फ्लॉक्स होते हैं, ये फ्लॉक्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस फ्लॉक, ये फ्लॉक्स जो होते हैं, कैन आई से कि जो फ्लॉक्स है, इन्होंने ही तो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया है स्लज में से, राइट?
जो स्लज आया था गंदा गंदा, तो अगर फ्लॉक्स बन गए तो फ्लॉक्स बनने का मतलब क्या है कि सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर हट चुका है पानी से या अभी भी है? अरे पूछ रहा हूँ मैं, हट चुका है ये सर, ठीक है? तो पानी के अंदर से सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर हट चुका है और वो फ्लॉक्स बन गया. जैसे कुछ लोग करते हैं ना दूध में से वो निकालते हैं घी, तो अगर दूध में से सारा घी घी निकल गया तो अब दूध के अंदर क्या घी बचा हुआ है? अब दूध के अंदर नहीं, सारी मलाई मलाई इधर निकल गई है. तो उस तरीके से याद रहेगा सब बच्चों को. Yes, sir. अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब बहुत सारी सोसाइटी होती है इंडस्ट्री होती है तो वो एसटीपी नहीं लगा सकती, तो वो एक जगह पे कॉमन बना सकती हैं कि सबका ही ट्रीटमेंट है, तो उसे क्या क्या बोलते हैं? मैंने एक नाम बताया था भूल गए, कॉमन एसटीपी नहीं, परमानेंट डिजीज, कॉमन एसटीपी बोला है मैंने. हाँ कॉमन कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन ईटीपी. एफ्लुएंट का मतलब गंदगी, ठीक है? तो कॉमन एटीपी उसे बोलते हैं. याद रहेगा सब बच्चों को ये बात. अच्छा सुकृति एक बात बताओ, ये जो मेरे पास हमने बायोगैस प्लांट बनाना सीखा है बायोगैस, तो बायोगैस प्लांट के लिए दो एजेंसी थी जिन्होंने सबसे पहले बनाया बायोगैस, वो दो एजेंसी IARI और KVIC. केवी, हाँ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, राइट? और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंडस्ट्री. वेरी गुड, ठीक है. तो IARI ये तो इंस्टीट्यूट भी है, अगर किसी को आगे एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना है तो लोग यहाँ से रिसर्च करते हैं, PhD बनते हैं, डॉक्टरेट बनते हैं, कृषि वैज्ञानिक बनते हैं, ठीक है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात. अच्छा विदुषी एक बात बताओ, जब हम बायोगैस प्लांट डालते हैं तो क्या हम सॉलिड स्लरी, मतलब मैंने बता दिया सॉरी, तो सॉलिड वेस्ट नहीं डालते, स्लरी डालते हैं, ठीक है? तो स्लरी मतलब पानी में घुल के डालते हैं. अच्छा कौन कौन सी गैस निकल के आती है फिर? मीथेन और CO2. हाँ सबसे ज्यादा, लेकिन क्या सिर्फ यही आती है, कुछ और भी आ सकती है? कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे मान लो उसमें सल्फर होता है तो H2S, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं तो सल्फर, तो H2S भी आ सकता है, CO2 भी तो आ सकता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा बोल दिया, ठीक है ठीक है. तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड H2S हो गया, कभी कभी क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो होती है ना, एनारोबिक कंडीशन है, हाइड्रोजन गैस भी निकल सकती है, हाइड्रोजन का मतलब रिडक्शन ना, तो हाइड्रोजन इसलिए याद रखना है. अच्छा बताओ, एक मैंने बताया था साइक्लोस्पोरिन ने जब ऑपरेशन होता है तो हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेटिव एजेंट, तो वो साइक्लोस्पोरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? साइकोडर्मा पेरिस्पोरम. वेरी गुड. और ये फंगस है या बैक्टीरिया? फंगस. फंगस ध्यान रखना, ठीक है? तो साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इम्यूनो सप्रेसेटिव एजेंट है और ये पेशेंट्स को दिया जाता है, राइट? तो भाई मुझे लगता है कि अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने एक दिन एग्जाम्पल लिया था, मान लो विदुषी गई दुकान पे, कह रही भैया वो देना माजा और फैंटा, तो इसने मिक्स करके पीने लग गई, तो क्या थोड़ा सा छूट गया, तो थोड़ा छूट गया तो वो जम गया वहीं पर ही, ठीक है? तो अब वो जब वो जाएगा साइकिलिंग के लिए तो उसको क्लियर करना पड़ता है बॉटल जूसेस को. यस सर. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोटीएस, पेक्टाइनेस, पेक्टिनेसेस और लाइपेसेस भी करते हैं. तो प्रोटीएसेस, पेक्टिनेसेस एंड लाइपेसेस, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात. तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें. अच्छा कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या बायोगैस प्लांट के अंदर H2 गैस निकल सकती है, क्योंकि उसमें रिड्यूसिंग कंडीशन होती है, ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो बिल्कुल निकल सकती है. कुछ कुछ को भी क्वेश्चन आता है क्या ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी बायोगैस में? नो सर. वो पूरा एनारोबिक कंडीशन है तो ऑक्सीजन कहां से आई, पूरा बंद कर दिया जाता है, ठीक है? अच्छा अच्छा मान लो एक आदमी अगर बायोगैस प्लांट के आसपास घूम रहा है तो क्या वो सेफ है घूमना? नो सर. क्यों? सब वो गैस निकलती है ना उसमें से, मीथेन गैस निकलती है और मीथेन गैस खतरनाक होती है, ठीक है? हाँ तो इसलिए. अच्छा मैंने एक अन्य, तुम बताओ ये बायोगैस प्लांट के मैंने तीन एडवांटेज बताए थे, वो तीन एडवांटेज क्या है? बायोगैस प्लांट अगर मैंने लगाया है तो मुझे तीन टाइप के एडवांटेज होने चाहिए, क्या और क्या तीन एडवांटेज होंगे वो? अरे ये तो बहुत इजी है, तुम तो एक भी नहीं बता रही. सर मैन्योर मिलता है, वो जो गैसेस होती है वो इंडस्ट्रीज को बेच सकती है. हाँ हाँ बिल्कुल, तो इससे इकोनॉमिकली फायदा हुआ. यस सर. और सर उससे मैन्योर वगैरह. अरे सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ कभी कभी आ रही है, कभी कभी, कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं. सर मैं बता तो रही हूँ. हाँ हाँ बोलो बोलो. अरे ठीक है, तो इसका मतलब स्लरी आ रहा है. एक तो देखो गांव के अंदर जितना भी गोबर वोबर होता है वो सब साफ हो जाएगा, राइट? अब पता है आजकल जैसे मैं तुम्हें बताऊं छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में पता है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, राइट?
बहुत सारे लोगों की जॉब छिन गई है। तो जो छत्तीसगढ़ में पता है एक सरकार ने वो चलाया अभियान कि आप गोबर लाएं और गोबर बेचें, गोबर बेचने से क्या होगा, गोबर जो होता है उससे खाद बनती है, सबको पता है। तो लोग पता है वहां पे ये जॉब दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सड़कों पे जो भी गोबर होता है गोबर कलेक्ट करके लाएं और गोबर को बेचें और इतना पर्टिकुलर किलो में 2 रुपए का कुछ हिसाब है, 2-3 रुपए का, तो वो आप पैसे कमाएं। तो लोग अलग अलग एरिया में लोग वेट करते हैं गाय अगर गोबर करेगी तो वो बेच कर आएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के गाँव में हो रहा है सच में। हाँ सही है, मतलब ठीक है सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ में वैसे कांग्रेस की सरकार है तो वो थोड़ा गाँव का थोड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये गोबर बेचो काइंड ऑफ वो है ये एम्प्लॉयमेंट टाइप का। ठीक है, तो बहुत मैं टीवी पे देख रहा था, एनडीटीवी न्यूज पे मैं देखा रहा था ये, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा ठीक है काफी अच्छा है। ठीक है, ऐसी न्यूज तो आजकल न्यूज चैनल दिखाई नहीं रहे, सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है सुशांत सिंह राजपूत। तो न्यूज चैनल देखना बंद करो, एंड देखना है तो एक बस एक देखा करो, उससे तुम्हें पूरे रियल इंडिया की न्यूज मिलेगी, वो है एनडीटीवी रवीश प्राइम टाइम विद रवीश कुमार। वो सिर्फ 1 घंटे या 45 मिनट का करता है, तुम्हें रियलाइज होगा कि ये चैनल कितनी बुरी तरीके से कर रहे हैं अपना, ये मतलब पूरे बुरी तरीके से बिक चुके हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये सुशांत सिंह को मिलना चाहिए नहीं है, लेकिन भाई और न्यूज कहाँ है, सुशांत के बाद भी करोड़ों लोग मर रहे हैं भाई, ये तो मरने वाली हालत हो गई है उनकी, तुम उन्होंने दिखा रहे हो बाकी सब दिखा रहे हो। बस यूट्यूब पे जाके डेली देख लिया करो प्राइम टाइम विद रवीश कुमार, तुम्हें तब रियलाइज होगा कि बच्चों की क्या दिक्कतें हैं, क्या IIT में चल रहा है, सरकार की क्या नाकामी रही है, क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या गांव में आज किस तरीके से औरतें और इंसान चल रहे हैं। इंटरनेट जो लाल किले से बोला गया था कि ब्रॉडबैंड लगा दिया है पूरे भारत में, तुम्हें पता लगेगा हरियाणा तक के अंदर नहीं पहुंच चुका है, जो कि दिल्ली NCR का रीजन भी है, वहां तक तो पहुंच नहीं पाया उनका, तो रियलिटी पता लगेगी। बस एक वही पत्रकार है रवीश कुमार जो अभी तक नहीं बिका है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तो मुझे किसी पे कोई भरोसा है ही नहीं, बाकी तो सब सच धस के आते हैं अपना, बस फालतू की बकवास करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है सर, बाकी मुझे ये पूछना था कि जैसे ड्यू में एडमिशन चाहिए होता है तो मतलब कितनी परसेंटेज आनी चाहिए, लाइक वो तो 90। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किस कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो अगर DU की अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो तुम्हें हैरानी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंस के ही कम से कम 30 से भी ज्यादा कॉलेज है, 30 से भी ज्यादा कॉलेज साइंस स्ट्रीम के, और उससे भी और देखा जाए तो तुम्हारे पास तो बायो है, तो बायो वालों के लिए हमारे पास होता है पहला बॉटनी जो कि प्लांट्स के बारे में होता है, फिर होता है मेरे पास एनिमल्स की स्टडी के बारे में जैसे हम बोलते हैं जॉलजी, फिर होता है मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हो, मोस्टली वैसे ये वाले इसलिए वो हैं तुम्हारे लिए। तो और एक मेरे पास तो एंथ्रोपोलॉजी, अगर तुम्हें इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, एनिमल्स के इवोल्यूशन के बारे में, तो ये सारे कुछ कोर्स है, और ऐसी मेरे पास बायोटेक भी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है, तो अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, तुम्हें आगे जाके पता लगेगा। ऐसे ही मेरे पास वो भी है फार्मेसी वाले, फार्मा बी फार्मा डी फार्मा करना है तो फार्मा, वैसे फार्मा के थोड़े अलग कॉलेज है, मतलब वो DU से है, DU के ही, लेकिन वो स्पेसिफिकली सिर्फ फार्मा के लिए ही है, तो वो कॉलेज ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे से होते हैं, मतलब सोसाइटी से ही बहुत छोटे से, तो ज्यादा कुछ बड़े कॉलेज नहीं होते क्योंकि सिर्फ फार्मा के लिए बने गए हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है तुम्हें कौन से कॉलेज से करना है, जैसे अंकित सर वाली जो है मैम को देखो, जूलॉजी करना है तो हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने क्या बोला 30 से भी ज्यादा कॉलेज है, तो तुम्हें डिपेंड करना है तुम्हें ऑन कैंपस चाहिए ऑफ कैंपस चाहिए। ऑफ कैंपस का मतलब ये नहीं कि कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज है बस वो मेन कैंपस में नहीं है, ये कॉलेज पूरी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज बनाए हुए हैं, तो अब बस वो दिल्ली के किसी रैंडम लोकेशन पे है, जैसे यहाँ पे मयूर विहार में है। ठीक है, सबसे पास यहाँ पे एक कॉलेज है मेरे पास, मैं नाम भूल गया उसका, अभी अंबेडकर करके शायद कुछ है, चलो मतलब है यहीं पर ही, बहुत सारे शामलाल कॉलेज है यहीं पर ही, एक है मेरे पास दयाल सिंह कॉलेज। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो रैंडम लोग, धोला कुआं पे है, धोला कुआं साउथ कैंपस में, ठीक है, जाकिर हुसैन है न्यू दिल्ली के अंदर, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टाइप के कॉलेज में मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ऑफ कैंपस हर कोई चाहता है उसको ऑन कैंपस मिले, तो ऑन कैंपस की जो परसेंटेज होती है अगर तुम्हारी जनरल कैटेगरी है तो आराम से 85 से नीचे पे तो यार देखो बात बिल्कुल नहीं बन सकती। ठीक है, तो 85 से वो तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा अपना PCB, तभी तुम्हें वो कॉलेज मिलेगा। और ऑफ कैंपस की बात की अगर तुम्हारे 80+ है, 80 से नीचे तो रेयरली ही जाता है, लेकिन कुछ कॉलेजों का मैंने देखा है 75 भी चले जाता है,
जो कुछ ऑफ कैंपस है ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास है दयाल सिंह कॉलेज है, मान लो श्यामलाल कॉलेज है, तो मैंने देखा है इनका पीसीबी का 78 भी जा रखा है, मतलब थर्ड फोर्थ कट ऑफ के अंदर जब बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो 78 79 भी उनकी कट ऑफ मैंने देखी है। बट टोटल मोटे मोटे तौर पे अगर तुम्हारी 85 तक परसेंटेज आ गई है पीसीबी की, जो कि टफ भी नहीं है, देखो बायो में तुम्हारे 95 वैसी है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ के तो भी 95, मतलब फिजिक्स का बस थोड़ा सा रहता है कि लोग फंस जाते हैं फिजिक्स में, बाकी वरना इंग्लिश। लेकिन इस बार अगर तुम करोगे तो सिलेबस काफी कट है और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो फिजिक्स में भी आ जाते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है बच्चों। फिजिक्स करने बैठ जाती हूं तो डेली फिजिक्स के लिए स्पेशल अटेंशन दो, क्योंकि मैंने कितनी बार बोला एडमिशन कराएगा या रुकाएगा तो वो तुम्हारा फिजिक्स है। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आती इतनी, और बायो में तो नहीं आएगी ऑफ कोर्स, आई नो दैट, ठीक है, तो आराम से मिल जाएगा। ड्यू की देयर लाइक्स आर सेंसिटिव लड़कियों के लिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, हां हां बिल्कुल ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, लड़कियों को चाहे तो ऑफ कोर्स एमबीबीएस के लिए जाए, नीट में जाए, लेकिन जो बेचारे नीट नहीं निकाल पाते, बीडीएस में भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि दांतों के डॉक्टर नहीं बनना मैं, तो फिर उनके लिए डीयू सबसे बेस्ट होता है भाई। 10,000 रुपए फीस है यार पूरे साल के, और डीयू की एक अलग ही लाइफ है, पूरे एशिया में इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, नाम हो जाता है कोई कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो कि कहाँ से पढ़ी करी है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स लोग जाते हैं यहाँ पे और कोर्स करते हैं, बहुत एकदम एंजॉयमेंट वाली लाइफ है, अच्छी वाली अच्छी खासी लाइफ है, पढ़ने वाली लाइफ भी है, प्रोफेसर एकदम एक नंबर, ठीक है, तो अच्छी लाइफ है, ठीक है। मेरी दीदी के जो ससुर है वो तो प्रिंसिपल ही है, मतलब यहाँ पे राजधानी कॉलेज के, राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो तो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो हाँ हाँ कॉलेज वगैरह पीटीएम नहीं होती ना, क्या क्या फिर से बोलना, कॉलेज वगैरह में पीटीएम वगैरह नहीं होती ना। अरे नहीं भाई, भाई पीटीएम वीटीएम वो तुमसे तुमसे तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं होगी तो पीटीएम क्या होगी भाई, तो भाई फ्रीडम फ्रीडम वो बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं है, बच्चे आते हैं टीचर के सामने एंटर करते हैं, जब मन करता है तब तो निकल जाते हैं, ठीक है, तो कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में तुम्हें ना जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, ठीक है, मेरे को पता है 12th तक मैं कैसे रहा हूं, 12th तक मैं अच्छी जाए सर हमारी कॉलेज लाइफ, कोरोना वो तभी हां वो तभी जाएगी, देखो कोरोना है ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में बस है तुम्हारे मार्क्स, एक बार मार्क्स अच्छे आ जाए ना पूरे 3 साल एकदम एंजॉयमेंट के कटने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज अच्छा मिलेगा तभी तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि स्कूल जैसे ट्रीट करते हैं, 8 बजे गेट लगा देंगे, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं ऐसे कॉलेज, वैसे आईपी के कॉलेज हैं ऐसे कुछ, आईपी यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंद्रप्रस्थ डीयू का ही है, पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है, नहीं 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 अलग से यूनिवर्सिटी है, अलग है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ऐसी एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, तो वो अलग है, और यूपी के कॉलेज तो और भी पूछो ही मत, नोएडा को तो चलो नोएडा के तो नोएडा में तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत आजादी है, बाकी अगर तुम यूपी में चले गए रायबरेली और हाँ, हाँ, सर, ड्रेसेस है सर वहाँ पे कॉलेज में, भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रेस लगा रखी है उन लोगों ने, पता भाई तो ड्रेस मैं तो सुन गया था ना, मेरे को हार्ट अटैक आ गया था, पता है आधे घंटे बाद उठा मैंने कहा ये तो क्या हो रहा है, ड्रेस पहन के कौन जा सकता है, मान लो कोई इंजीनियर बनने वाला है और वो फोर्थ ईयर में ड्रेस पहन के जा रहा है, मतलब कॉलेज लाइफ का कोई मतलब कॉलेज लाइफ कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है यार, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार, मैं तो हैरान हूँ। हाँ ठीक है चलो भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी तुम्हारा एरा चैप्टर भी अब यहाँ पे कवर हो गया है, बाकी सबको अच्छी लाइफ मिलेगी, चिंता मत करो, बायो में अच्छा स्कोर आना है, केमिस्ट्री में ध्यान दो और फिजिक्स में एक्स्ट्रा ध्यान दो, फिर कोई ताकत कोई कायनत तुम्हें नहीं रोक सकती तुम्हें अच्छा कॉलेज लेने से, डीयू एक सिक्योरिटी है, डीयू में अगर एक सिक्योरिटी तुमने कर ली ना बाकी तुम एक्स्ट्रा कुछ भी करो, रोक थोड़ी ना है भाई, 12th के बाद जो तुम्हें करना है तुम करना, लेकिन डीयू एक सिक्योरिटी है जो तुम्हारे 12th के मार्क्स से मिलेगी, अगर तुम्हारे 12th के मार्क्स आ गए तो डीयू सेफ हो गया ना, एक सेफ साइड आ गई ना कि मेरा गवर्नमेंट में हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास सिक्योरिटी होती है वो तो सबसे बेस्ट होता है, सिक्योरिटी नहीं है ना तो फिर ऐसा रहता है यार, अभी जैसे कुछ बच्चे हैं उनके मैंने देखे हैं कि कुछ कुछ बच्चों के परसेंटेज 78-77 रह गई है, तो अभी वैसी सिचुएशन में कि सर मेरा डीयू में होगा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे लड़कियों को तो इतने मैसेज आते हैं कि सर मुझे डीयू में जाना है कैसे भी करवाओ सर मेरा, तो अब मैं कैसे करवाऊँ, परसेंटेज मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के बोला था तुमको पहले, अब तुम सुन नहीं रही थी, अब बस वेट करना पड़ता है फिर क्या पता है कोई कट ऑफ कम हो जाए, तो इसीलिए चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट।